भारत और फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन के बीच होगी बड़ी डिफेंस डील। चीन पाकिस्तान की उड़ जाएगी नींद। भारतीय नौसेना की ताकत और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए भारत सरकार और फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन के बीच 26 राफेल एम लड़ाकू विमानों को लेकर प्रक्रिया अपने अंतिम चरणों में है। डसॉल्ट एविएशन और भारतीय नौसेना का नाता काफी पुराना रहा है। 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद से पहले 1980 के दशक में भारतीय वायुसेना ने 50 मिराज 2000 विमानों को भी डसॉल्ट से खरीदा था। अब डसॉल्ट की नजरें भारत के मीडियम रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA पर टिकी हुई हैं। इस योजना में 114 लड़ाकू विमानों को सेना में शामिल किया जाना है। डसॉल्ट एविएशन के अलावा दुनिया की और भी कंपनियों की नज़र भारत के MRFA प्लान पर है। अगर भारत 114 MRFA लड़ाकू विमानों के लिए फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट से हाथ मिलता है तो भारत फ्रांसीसी सेना के बाद राफेल का दूसरा सबसे बड़ा ऑपरेटर बन सकता है। आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल फ्रांस की वायुसेना के पास कुल 185 राफेल फाइटर जेट हैं। वहीं फ्रांसीसी नौसेना के पास 46 राफेल एम हैं। अगर भारत सरकार और कंपनी के बीच डिफेंस डील होती है तो भारत के पास 176 राफेल विमान हो जाएंगे। लेकिन जानकारी के लिए बता दें कि इस वक्त रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ट्विन इंजन डेक आधारित लड़ाकू विमान बनाने पर काम कर रही है। डिफेंस सेक्टर में दुनिया भर के लिए भारत के बड़ा ग्राहक रहा है। अमेरिका, रूस और इजराइल की कंपनियों की नज़र भारत पर ही रहती है। इस सूची में फ्रांस की नाम भी शामिल है। डसॉल्ट के लिए भी भारत बड़ा ग्राहक है। इसी कड़ी में डसॉल्ट एविएशन उत्तर प्रदेश में एक मेंटेनेंस रिपेयर और ओवरहाल MRO फैसिलिटी स्थापित कर रहा है। इस फैसिलिटी में भारतीय वायुसेना में मौजूद फ्रांसीसी लड़ाकू विमानों का रखरखाव किया जाएगा।